थाना बारा पे एक वादी हैं डॉक्टर कुमुद प्रताप सिंह, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई। उसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनका एक मकान था जो कि निर्माणाधीन था, और 14-15 तारीख को जब मकर संक्रांति थी उसके उपलक्ष्य में इनके यहाँ जो काम हो रहा था वो बंद था। 14/15 की रात को इनके यहाँ से जो सरिया था वो चोरी हो गया था। इनके द्वारा जब तहरीर दी गई थाने पे, तो तहरीर के आधार पे थाना बर्रा पे 379 ITC का मुकदमा पंजीकृत किया गया अज्ञात में, और उसके बाद में इसमें पुलिस की टीमें लगा दी गई थी ताकि घटना का सफल आकलन किया जा सके। इसमें हमारे जो ह्यूमन इंटेलिजेंस थे और जो टेक्निकल चीजें थी, सीसीटीवी कैमरे जो ऑपरेशन दृष्टि के अंतर्गत में सीसीटीवी कैमरे जो शहर के विभिन्न जगहों पे इम्पोर्टेंट जगहों पे लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे को हमारे जो चार टीमें लगी हुई थी उनके द्वारा खंगाला गया, तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट लीड मिले थे। उस लीड के आधार पे पुलिस कई जगहों पे दबिश दी थी, और इसमें से दो चोर है जिसको आइडेंटिफाई किया गया, जिसका नाम कुलदीप और आजाद है, इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। और इससे जब बृहद पूछताछ की गई कि इसने सामान चोरी कहाँ की और कहाँ बेचा गया, तो इनके द्वारा बताया गया इसने सामान जो एक व्यक्ति है जिसका नाम विकास है, ये तात्या नगर का रहने वाला, उसके यहाँ बेचा। उसके बाद में वहां पे जाके पूरी माल की जो है जो वहां पे माल इसने जो रखा था वहां से माल को बरामद किया गया, और इसमें तीन लोगों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। इसमें अभी भी इससे पूछताछ जो की गई है उसके आधार पर दो लोग अभी भी फरार है। इसके लिए भी हमारी टीम अनवरत रूप से काम कर रही है, उस दोनों को भी गिरफ्तार किया जाएगा और माननीय न्यायालय में हाजिर किया जाएगा। माल कितना बरामद किया गया? 10 बंडल माल बरामद किया गया है, लगभग 10 क्विंटल के आसपास। अभी तक हमारे थाना बारा में तो इनके कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन DCRB के माध्यम से हमें दिखवा रहे हैं कि अन्य हमारे कमिश्नरेट के अन्य किसी थाना का मुकदमा हो उसको भी देखा जाएगा।